और नितेश कुमार आप कान खोल के सुन लीजिए, अब होश में आइए, आपको कुर्सी पैसा हटाएंगे, पूरा बिहार में 1.5 लाख का सहाय, आप पूरा फैमिली के साथ आपको वोट नहीं देंगे। नितेश कुमार होश में आओ, मेरी मांगे पूरी करो। नमस्कार, टाइम 24 देख रहे हैं आप, मैं हूं शाहिद रजा और इस वक्त सीतामढ़ी जिला के रून्नी सैदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर खड़ा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि रून्नी सैदपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ही धरना प्रदर्शन चल रहा है, बिहार के तमाम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर ताला जड़ दिया गया है और आशा कार्यकर्ता हैं जो अपनी मांगों को लेकर कर पिछले 17 दिन से धरने पर बैठे हुई हैं। और उन लोगों का कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम हिलने वाले नहीं हैं। हालांकि मेरी बात कुछ आशा कार्यकर्ता से हुई है, उनका कहना है कि जो स्थानीय लोग आकर मेरे साथ धक्का मुक्की भी किए उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 1000 रुपये में इस ज़माने में होने वाला क्या है। आशा कार्यकर्ता जब बहाल हुई थी तो ये आशा लगा के हुई थी कि सरकार हम लोगों को स्मार्ट मानदेय देगा, हम लोगों को बढ़िया मानदेय देगा, लेकिन मिला क्या, सिर्फ निराशा। चलते हैं कुछ आशा कार्यकर्ता हैं उनसे बात करते हैं और उनका जो तकलीफ है उनका जो दर्द है वो हम जानेंगे। 1000 से नहीं काम चलेगा सर, हम लोग का 10000 मानना चाहिए। अच्छा, मासिक चाहिए, लेकिन जो हम लोग के द्वारा काम करवा जाता है सरकार, ठीक है, तो बच्चा के डिलीवरी 24 घंटा ड्यूटी, टीकाकरण है क्षेत्र में, सर्वे करना पड़ेगा, कोरोना महामारी में हम लोग भी काम किया है, यही काम से कितना मेरा आशा दीदी के जान भी चला गया है। सरकार बोला है जो 50 लाख रुपया देंगे, 10000 के महीना देंगे, लेकिन 1000 के हम लोग का महीना नहीं मिला। अच्छा, ये मुझे जो जानकारी मिल रही है कि आपने कोरोना काल में काम किया है उसका भी पैसा आप लोगों को नहीं मिला? नहीं मिला है सर, वो पैसा नहीं मिला है। और उसका बाद कि हम लोग जब हड़ताल धरने में है तो 25 तारीख के रून्नी सैदपुर प्रखंड के जो मुखिया जी है, एक बच्चा मैंने पेशेंट आया था, हम लोग बोले जो BCG सुई नहीं देंगे तो हम लोग का साथ कुछ बहुत अजीब रंग के व्यवहार किया है। उसका बाद मुखिया भी आया है, हम लोग बोले नहीं देंगे दवा, मुखिया बोला जो प्रशासन के प्रभारी से साइन करवा के प्रशासन के भी लाया है, हम लोग और गए हैं, लेकिन जब तक हम लोग का मानदेय नहीं होगा, प्रभारी बोले आप अपना जोर लगाओ, हम अपना जोर लगाएंगे, जब तक हम लोग का मानदेय नहीं मिलेगा, दुनिया संसार कुछ भी करे, मर जाएंगे कट जाएंगे, हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। नहीं ठीक है, उन्हीं आप जो बता रहे हैं मुखिया जी जो है, मुखिया जी यहाँ आए थे जी सर, तो आप कल आपके कंधे पे ये जिम्मेदारी थी कि गांव के अंदर कोई भी महिला अगर बीमार होती है तो उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाए, लेकिन वही महिला अगर हॉस्पिटल आ रही है तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसे जाने दें। जाने देते हैं, हम लोग सहयोग भी करते हैं। तो फिर ये हंगामा क्यों हुआ? बच्चा के लिए सर जबरदस्ती हुड़दंगा किया, 10 लाख रुपया लेके आया सर, एक बच्चा पर 10 रुपया मिलता है, 10 रुपया में कुछ होने वाला है? अगर जिस महीना में अगर टीकाकरण न हो, आशा तो निठल्ला चली गई, वो कहाँ से खाएगी, कहाँ से बिल्कुल पीएगी, आपने जो आपने आपने जो कहा है कि 10 रुपए में क्या होने वाला है, वही बच्चा अगर 5 साल का होगा तो 10 रुपया लेने से इनकार करता है। आज 10 रुपया में क्या मिलता है, एक कप चाय मिलता है, असल लोग के क्या मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, 10 रुपया में क्या हो रहा है, जो हम लोग के पेट भरेगा, बाल बच्चा है, हम लोग के घर से बाहर निकाल दिए हैं, हम घर में जाएंगे तो घर के लोग पूछता है कहाँ तुम लोग जा रही हो, बन ढंग के कहाँ बाहर निकल गई है, अब यहाँ भी नहीं हम लोग के कुछ मिला, क्या चीज लेकर घर जा रहे हैं हम लोग, ऐसा हम लोग कर दिए हैं नीतीश कुमार, घर से बेघर कर दिए हैं हम लोग, न घर के हैं न घाट के हैं, कहीं के नहीं है हम लोग, जब निकलते हैं हम लोग का समाज भी बुरा नजर से देखता है कि कहाँ जाती है 12 बजे रात के, 12 बजे रात के हम लोग जाते हैं किस मातु मृत्यु बचाने के लिए, अब काम करते हैं हम, नाम होता है आंगनबाड़ी को, जीविका दीदी को नाम होता है, जीविका दीदी क्या किए कोरोना में, हम लोग आशा दीदी और आशा फैसिलिटेटर मिलकर हम लोग इतना टीका दिलवाए, लेकिन अब तक नाम हो रहा है कि नहीं जीविका काम किया, जीविका नहीं काम किया, जब तक आशा थी तब तक टीकाकरण हम लोग पूरा अथी करवाए, हम लोग यह कहे कि जब कोरोना में हम लोग काम करेंगे, कोरोना से वंचित हो जाएगा सबका परिवार, बच जाएगा तो हम लोग को भी सरकार देखेंगे, लेकिन नहीं, सरकार तो निर्दय बन गए या नीतीश कुमार जैसे निर्दय हो गया, उसे मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी भी ऐसा ही हो गए, नहीं उनका तो घर परिवार बीवी बच्चा कोई है तो नहीं है दोनों का, तो इसलिए सोचते हैं जो उनका बीवी उनका भी हस्बैंड से हम लोग दुर्जारू करा दे जी। देखिए आशा की जो बहाली हुई है वो 2005 में जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी केंद्र में और हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी,
और मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में उस सरकार समय में आशा की नियुक्ति हुई है, आशा की बहाली हुई है। हमारी सरकार 2014 में बदल गई और यह जो बैठी हुई है केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो इतना बेशर्मी सरकार है, निर्दयी सरकार है। आशा जैसे बेसहारा लोगों के साथ जो भेदभाव कर रहा है, जो छल प्रपंच कर रहा है, हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से अविलंब आशा का जो जांच है उस पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार ध्यान दे और 10,000 रुपए के इन लोगों का जो मांग है वो अविलंब पूर्ति हो। इसके पीछे आप देख सकते हैं कितनी तादाद में जो आशा कार्यकर्ता है वो यहाँ उपस्थित है। मैं अपने दर्शकों को एक बार और बता दूं कि पूरे बिहार के अंदर 38 जिला है और 38 जिला का सबसे दूसरा सबसे बड़ा प्रखंड वो रूनी सैदपुर है और यही वजह है कि यहाँ बड़ी तादाद में आशा फैसिलिटेटर या आशा कार्यकर्ता कार्यस्थ है और तमाम आशा कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद है। इन लोगों का एक ही मांग है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो हम लोगों की जायज मांग है उसे पूरी कर दे, नहीं तो शायद आपको आने वाले इलेक्शन में काफ़ी परेशानी होगी। इन लोगों ने एक और मोर्चा खोल दिया। इन लोगों का स्पष्ट कहना है कि सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो इस बात को भी सरकार दिमाग में बैठा ले कि एक भी वोट हम देने नहीं जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हम अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों का भी वोट हम नहीं देंगे।